सो हे गाइस, कैसे और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छा और बढ़िया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पोको लॉन्चर यूज़ करते हो, आपके पोको की किसी भी डिवाइस में, पोको F1, पोको X2, पोको X3 वाटे और जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आप पोको लॉन्चर यूज़ कर रहे हो, शायद हो सकता है आपको कुछ बग्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। बग्स तो काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद हो सकता है आप पोको लॉन्चर को यूज़ करके बोर हो चुके हो। तो इस वीडियो में आपको एक अच्छा सा बेस्ट अल्टरनेट लेके आए हो आपके पोको लॉन्चर के लिए। और ये जो लॉन्चर है आपको गूगल प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑर्डर गाइज, ये है हमारे पास पोको F1 डिवाइस, और इस डिवाइस में मैंने उस लॉन्चर को इंस्टॉल कर लिया है जो कि पोको लॉन्चर का एक अल्टरनेट है। तो हमें इस लॉन्चर में कुछ इस तरीके का इंटरफेस वगैरह देखने को मिल जाता है। सेटिंग में हमें कुछ इस तरीके के चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। लगभग जो है सभी चेंजेस हमें पोको लॉन्चर की तरह ही देखने को मिल जाएंगे। एक बेस्ट अल्टरनेट है हमारे पोको लॉन्चर के लिए। तो यहाँ पे सेटिंग में जो है हमें सेम ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आइकॉन पैक्स वगैरह, कस्टमाइजेशन, लेआउट, कुछ इस तरीके के हमें ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें पोको का जो लॉन्चर था उसमें भी देखने को मिल रहे थे। इस तरीके का हमारा एप ड्रॉवर है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम पोको की लॉन्चर की तरह हमें एप ड्रॉवर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो सिंपली इस लॉन्चर में भी हमें हाइड ऐप का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इनेबल किया है। तो इसको किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली हमें जाना है हमारे ऐप ड्रॉअर में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्वाइप करने के बाद हमारा जो हाइड ऐप से वो सिंपली ओपन हो जाते हैं। पैटर्न वगैरह वहाँ पर एंटर करने के बाद, या फिर आपके फिंगरप्रिंट के साथ जो है आपके हिडन ऐप्स ओपन हो जाते हैं। हमें यहाँ पे और भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं जो हमें पोको लॉन्चर में देखने को मिल रहे थे, जैसे कि कस्टमाइजिंग द लेआउट। अल्टीमेटली काफ़ी अच्छा अल्टरनेट है आपके पोको लॉन्चर के लिए। आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि हम कोई नया लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं। सभी फीचर्स आपको पोको लॉन्चर की तरह देखने को मिल जाएंगे। मेन पर्पज़ ये है कि हमें पोको लॉन्चर में कुछ बग्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, और इस लॉन्चर में हमें इतने ज़्यादा बग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपली आप इस लॉन्चर को यूज़ कर सकते हो। अगर ये लॉन्चर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैंने कमेंट को पिन किया है। सिंपली आप वहाँ पर जा सकते हो और इस लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर सकते हो।